ये है डे टू। कल रात हमने टेंट में स्टे किया और थोड़ा स्केयर था पहले किट के साथ, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं इस ब्लॉग में शेयर करूँगा। और काफ़ी एक्टिविटी हैं आज तो वो मैं करूँगा, तो बने रहिए देखिए। अगर आपने मेरा पहला ब्लॉग नहीं देखा है तो वो भी देखिए, कंटिन्यू रहिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ट्रेवल चस्का चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव। तो अभी हुआ है मॉर्निंग का 6:30 और हम लोग अभी 6 बजे अराउंड जाग गए थे। और जो नाइट का एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, अच्छे से नींद आई। और मुझे डर था कि पहले कि यहाँ सर्दी तो ज़्यादा नहीं लगेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना सर्दी नहीं था इनसाइड द टेंट और एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। तो अभी इन लोगों ने बोला था कल के 7 बजे ट्रैकिंग पर जाना है, फिर बोटिंग वगैरह भी करेंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस होगा मैं आपको बताता हूँ। अब व्यू देखिए काफ़ी अच्छा है। टेंट का एक्सपीरियंस मेरा है जो फर्स्ट टाइम, बहुत ही अच्छा रहा। और अभी ये चीज़ मैं नेक्स्ट टाइम भी करता रहूँगा। तो जगह काफ़ी अच्छी है ये। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत मस्त रहा। हर महीने यहाँ लेके आया करो, फिर देखना हम लोग कितने मज़े करेंगे यहाँ पे। अपना बच्चा भी कितना एंजॉय किया। हम तो बोलते हैं हर वीकेंड आओ, हर महीने भी नहीं। द बेस्ट थिंग है यहाँ पे कि टेंट में रहो, लाइवली मौसम है, लेक के पास खूब एंजॉय किया। अब नेक्स्ट हम लोग कब आ रहे हैं फिर? आएंगे बहुत सुन। चलो देखते हैं, लेट सी। आप बोलते तो लाते नहीं हो। देखिए मॉर्निंग अभी हम लोग बस चाय पी के अभी ट्रैकिंग पर जाएंगे। मैं अकेला ही जाऊंगा क्योंकि बेबी छोटा है, तो उन लोगों ने बोला बेबी ट्रैकिंग पर नहीं जा सकता, तो फिर मैं अकेला जाऊंगा। वाइफ यहाँ रहेगी जब तक ट्रैकिंग। ये सामने वाले पहाड़ पे हम लोग जाएंगे जो मैंने पूछा, और उसके बाद नाश्ता करके एक्टिविटीज़ करेंगे, जिप लाइन एंड जिप रैपलिंग, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं तो वो भी करेंगे। और सुबह की मॉर्निंग का व्यू बहुत ही अच्छा है, देखिए चारों तरफ ग्रीनरी और टेंट लगे हुए हैं। सुबह की जो आवाज़ें आ रही हैं पक्षियों की बहुत ही अच्छी। ये जगह बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है। आप एक्सपीरियंस ज़रूर लें। और जो टेंट में सोने का मज़ा मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। रात में थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही थी अभी भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। टेंट में सोने का मज़ा ही कुछ और है। अच्छी हवा, नेचुरल। देखिए अभी भी आप देख सकते हैं, और बेबी ने भी इंजॉय किया, रात में आराम से सोती रही, अभी भी सो रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग पर, और बता रहे थे सिंपल ट्रैकिंग है। देखिए वाइफ एंड बेबी बाय कर रहे हैं, वो लेक की उस तरफ है, उस तरफ रिसॉर्ट है, और बहुत ही प्यारी लोकेशन है ये। फुल ग्रीनरी, फुल फॉर्म्स, बहुत ही मज़ेदार लोकेशन। और ट्रैकिंग तो मेरी एक हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है। और लेक के उस साइड भी दो रिसॉर्ट्स हैं, काफ़ी लोग जा रहे हैं ग्रुप में हम लोग, तो इसी वो पैकेज में इंक्लूडेड है। ये भी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, और ये ट्रैकिंग अभी तक की है, बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ देखा मैंने, कुछ एजेड पर्सन भी थे वो भी कर रहे थे, तो इतना टफ नहीं है। और लोकेशन बहुत ही प्यारी, यहाँ से देखिए थोड़ी ऊँचाई पर लेक दिख रहा है, चारों तरफ पहाड़ियाँ, ग्रीनरी, यही देखने तो आते हैं बहुत सारे ग्रुप, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस जगह पे। इस पहाड़ी पे छोटे से पे चढ़ना है। पहले लग रहा था कि कैसे चढ़ेंगे, बट इट वाज इजी।
लग रहा था स्टीप है पर आराम से चढ़ गए। ये देखिए थोड़ी सी ऊंचाई पे आ गए हैं और व्यू काफ़ी अच्छा है, हवा बहुत ही अच्छी चल रही है मॉर्निंग में और लोकेशन तो बहुत ही प्यारी है। देखिए एक और थोड़ा सी ऊंचाई पे आया है जो देखिए लेक, और लेक किस तरफ देख रहे हैं वो रिसॉर्ट है क्यू मैंगो फॉरेस्ट जहां हम लोगों ने कल नाइट स्टे किया और वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और मॉर्निंग मौसम बहुत ही अच्छा है देखिए, और ये पीछे आप SRS हिल्स देख रहे हैं, आप ये देखिए व्यू, नारियल के काफ़ी पेड़ हैं, शायद उतना कैमरे में नहीं आ रहे होंगे। अच्छी लोकेशन है और रिसॉर्ट भी काफ़ी अच्छा है, इन्होंने मेंटेन अच्छा किया हुआ है, तो इस प्लेस को मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग ज़रूर आएँ। अभी हम जा रहे हैं एक और जगह जो हम लोगों के साथ एक गाइड आया था वो बता रहा था यहाँ गुफा है एलिफेंट की, तो वो देखने जा रहे हैं, देखते हैं कैसी है, आइए। इसी पहाड़ के नीचे है जो एलिफेंट केव वो देखने जा रहे हैं, देखिए सर्चिंग फॉर एलिफेंट केव, देखते हैं। काफी अच्छी जगह है, मजेदार। ये देखिए एलिफेंट केव आ गई है, मतलब यहाँ पे एलिफेंट आते हैं, जंगल का पूरा एरिया है उधर साइड का, तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुफा है। ये देखिए अच्छा देख के लगा एलिफेंट की ये केव, आप ये आएंगे तो वो ज़रूर लेके आएंगे आपको, एक अच्छा व्यू पॉइंट है ये देखने की जगह, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बड़ी गुफा है। और अब हम लोग जाएंगे वापस रिसॉर्ट, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर एक्टिविटी करने जाएंगे। और ये लोकेशन तो बहुत ही प्यारी थी, आप देख सकते हैं उस साइड फुल ग्रीनरी और पहाड़ थे छोटे छोटे। ये जो लोकेशन है जो शोले मूवी की जो शूटिंग हुई थी रामनगर, इसी के पास है वो, ये एक्चुअल वो लोकेशन नहीं, मैंने पूछा था। ये देखिए कुछ कमल के फूल काफ़ी खिले हुए थे सुबह मॉर्निंग में, बहुत ही प्यारा लग रहा था। फ्रॉग कैसे करता है, काफ़ी भूख लग रही थी लौट के आया तो, और काफ़ी ऑप्शन थे यहाँ पे ब्रेकफास्ट में, इडली एग्स थे और मैन आलू पूड़ी जो मेरे को बैंगलोर साइड का मिलता है, नॉर्थ इंडियन डिश था, मज़ा आया और सांभर भी बहुत अच्छा था, फूड काफ़ी टेस्टी था, मैं 5 स्टार दूंगा फूड्स को। You like it or not? मेरे बेटू ने यहाँ बहुत इन्जॉय किया ये जगह, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा आप, बहुत ही पीसफुल और इन्जॉय करेंगे इस जगह पे आके, और काफ़ी एक्टिविटीज़ काफ़ी हैं ये देखिए, और काफ़ी बड़े एरिया में भी है ये रिसॉर्ट। अभी हम देखिए जिप लाइन के लिए मैं रेडी हूँ, और इस एक्टिविटी का जरूर मज़ा ले, मुझे बहुत मज़ा आया, मेरी वाइफ को भी। ये जगह बहुत ही पीसफुल है, हर चीज़ है यहाँ पे, बोटिंग सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे इस जगह पे आके। अब देखिए अब हम लोग जा रहे हैं जिप रैपिंग, जो काफ़ी चढ़ाई करने पे जाना ऊंचे पहाड़ पे है, वहाँ से नीचे रस्सी से उतरना है, थोड़ा सा पहले मैं स्कैट था कि कैसे करूँगा, बट एडवेंचर है करना चाहिए। यहाँ पे नवीन ने भी थोड़ी ट्रैकिंग की, और देखिए जो ऊंचे पहाड़ से, मैंने दूर से पहले वीडियो लिया था, इतने उस ऊंचे पहाड़ से नीचे रस्सी से आना होता है, थोड़ा सा स्केयर था आप देख सकते हैं। देखिए वो
रस्सियाँ डली हुई हैं। ये देखिए मैं आ रहा हूँ, पीछे नहीं देखना होता जो वो बोल रहे थे, क्योंकि पूरा स्टीव वो पहाड़ है ऊंचा, वहाँ से उतरना है। तो एडवेंचर चीज़ है, पर आप करें। बहुत थोड़ा सा मैं स्केयर्ड था स्टार्टिंग में, पर फिर बहुत मज़ा आया जब कर लिया। तो ज़रूर कीजिए एक्टिविटी, एक डिफरेंट मुझे लगी और मज़ा बहुत आया। ये क्यू मैंगो फॉरेस्ट तो आप ज़रूर आएँ 2100 में, फूड के साथ, नाइट स्टे, टू टाइम फूड, ब्रेकफास्ट, फिर शाम के टाइम भी, और काफ़ी एक्टिविटीज़ काफ़ी हैं, तो आप बिल्कुल रिफ्रेश फील करेंगे। काफ़ी एडवेंचर है। अब मैं आपको ऊपर से व्यू दिखाऊंगा, जहाँ से स्टार्ट करते हैं जिप रैपलिंग। देखिए ऐसे जाना होता है, फिर जो नीचे का व्यू, पीछे आप जो देख रहे हैं वो लेक व्यू काफ़ी अच्छा है, और सुबह की जो हवा का जो मज़ा है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस जगह को मैं 5 स्टार दूंगा, आप लोग ज़रूर आए। अगर आप लोगों ने वो पहला मेरा फर्स्ट डे का जो ब्लॉग नहीं देखा है वो देखिए। फर्स्ट डे भी मैंने बोटिंग वगैरह और काफ़ी इन्जॉय किया लेक पे, तो आप वो देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, आप ज़रूर आइए। अभी हम लोग बस लंच करेंगे, फिर हम लोगों का ऐसा कोई प्लान नहीं था, पर अब जा रहे हैं हम लोग मैसूर। पहले हम श्रीरंगपट्टनम के दर्शन करेंगे, फिर मैसूर प्लेस, फिर मैसूर में नाइट स्टे करेंगे, सुबह चामुंडेश्वरी देवी के दर्शन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अभी हुआ है 2 o'clock और हम लोग मैंगो फॉरेस्ट से चेकआउट हो चुके हैं। हम जा रहे हैं मैसूर, पहले सोच रहे हैं श्रीरंगपट्टनम जो रास्ते में पड़ेगा उसके दर्शन करेंगे, उसके बाद मैसूर में आज नाइट स्टे करेंगे, फिर देखते हैं संडे को बैक टू बेंगलोर। और लोकेशन है काफ़ी प्यारी है, और हम लोगों का एक्सपीरियंस है जो मैंगो फॉरेस्ट में काफ़ी अच्छा रहा, फूड बहुत ही अच्छा था और सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज हो रहा था, बहुत ही मज़ा आया। ठीक है, मैं आपको आगे की जर्नी का अपडेट देता हूँ, बनी रखिए चैनल पर।